गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ITMRK में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल मैं एक रेंज दिया था मार्केट का रेंज, और डेली 9:30 के आसपास मैं मार्केट का रेंज देता हूं 9:40 के आसपास, और मार्केट उसी रेंज में चलता है और मार्केट उसी रेंज में चलता है। तो कल का मैं बता रहा हूं कि मैंने रेंज दिया था लगभग 9:40 के आसपास, मैं रेंज बताया था कि मार्केट बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा था, मैंने बताया था कि मार्केट का रेंज क्या है। तो मार्केट में मैं 5 लाइन इस जगह पे मैं ड्रा किया था। पहला लाइन हमारा था जो मार्केट का हाई था 218,200, दूसरा लाइन है हमारा 18,151 के पास, और तीसरा लाइन था हमारा 106 के पास। तो इस तरह से मैं 5 लाइन ड्रा किया था और मार्केट उसी रेंज में चला, और मार्केट ने 2 ट्रेड दिए, बिल्कुल सटीक ट्रेड दिए, और 2 ट्रेड सी का ट्रेड दिया। इस तरह का वीडियो, इस तरह का मार्केट का रेंज डेली 9:30 9:40 के आसपास मैं बता देता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक 2 इंडिकेटर का सेटअप करके हम मार्केट में किस तरह से एंट्री करते हैं और किस तरह से एग्जिट करते हैं, कौन से जगह पर हमें एंट्री करनी है, कौन से जगह पर हमें एग्जिट करनी है, इस बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा जो एक बेहतरीन सेटअप है, और इस सेटअप का प्रयोग करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मार्केट रेंज देखने के लिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन 9:40 के आसपास डेली मिले, और मार्केट उसी रेंज में चलता है डॉट टू डॉट, किसी भी दिन आप चले जाइए, और मैं डेली मार्केट का रेंज बताता हूँ, मार्केट उसी रेंज में चलता है। इस रेंज को देखने से ये पता चल जाता है आपको कि मार्केट आज कितना दूर में चलेगा और मार्केट कहां से कहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो बिना देर किए हुए चले शुरू करते हैं, और मैं बताता हूं इस इंडिकेटर का खासियत क्या है, इस इंडिकेटर का सेटअप किस प्रकार से करना है, इसमें एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। आप चाहें तो इसमें हाई कैनेसी कैंडल का भी यूज कर सकते हैं, हाई कैनेसी का अगर ये यूज करते हैं तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डर नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए हम नॉर्मल कैंडल से ही शुरू करते हैं, या हाई कैंडल से ही शुरू करते हैं, और हाई कैनेसी कैंडल पर मैं बताता हूँ किस प्रकार से ट्रेड बनता है। आप नॉर्मल ट्रेडिंग नॉर्मल कैंडल पर भी कर सकते हैं और हाई कैनेसी कैंडल पे भी कर सकते हैं। मार्केट में एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है, मार्केट देखिए ये 3 लाइन हमें दिख रहा है, मार्केट में एक मोटा सा लाइन दिख रहा है, और मैं एक वीडियो डाला हूँ जो मार्केट का रूल्स के बारे में है, मार्केट का नियम्स के बारे में है, इस वीडियो को आप जाकर के जरूर देखें। चलिए पहले इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अपना जो इसको मैं हाइड कर दिया। अब इस इंडिकेटर पर आते हैं, इस लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा हमें शॉर्ट के बारे में ही सोचना चाहिए कि मार्केट में हम अपना शॉर्ट करते हुए चल सकते हैं। देखिए मार्केट इस तरह से चल रहा है, हमें कुछ सिग्नल नहीं मिला है, हमें सिग्नल यहाँ पे मिला है, इस ट्रेड को हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि मार्केट अभी इसके ऊपर है, हो सकता है यहाँ से आए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन यहाँ तक आया, मार्केट ने एक लॉन्ग पोजिशन दिया, इस ट्रेड को भी आप छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी ये रेड चल रहा था और एक ग्रीन है, लेकिन तीनों तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसे। हमें ट्रेड कौन सा करना है, ट्रेड करना है ये देखिए, यहाँ पे अभी भी इस कैंडल पे हमें एक सेल का सिग्नल दिया है, लेकिन ये अभी ग्रीन ही था, तब तक हमें इंडिकेटर नहीं किया था, लेकिन इंडिकेट यहाँ पे किया करके, यहाँ पे ये तीनों तरह से कन्फर्म है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस लाइन के नीचे भी है, इस लाइन के नीचे भी है, तो यहाँ पे हम इस कैंडल पे एंट्री करेंगे और अपना पोजीशन लेकर के यहाँ तक चल सकते हैं, और यहाँ पे आकर के हम एग्जिट कर जाएंगे। लॉन्ग का ट्रेड आप छोड़ सकते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो ये लॉन्ग का ट्रेड है आपके लिए। चलिए एक दो और ट्रेड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को सेटिंग बताऊंगा। ये देखिए मार्केट इस लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक, मार्केट इस लाइन के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ऊपर चल रहा है, नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा,
तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड दिया है, यहाँ पे ये तीनों कन्फर्म है, मार्केट इस लाइन के ऊपर भी है और यहाँ पे हमें लॉन्ग का ट्रेड दिया, ये बिल्कुल सटीक ट्रेड था, ठीक है, बिल्कुल ही सटीक ट्रेड। देखिए लाइन के ऊपर चल रहा है, ये सिग्नल दे चुका है, इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं, इस ट्रेड को हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी ये रेट था, इसलिए हम इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ट्रेड बहुत कम, एक ट्रेड कीजिए लेकिन पूरे दिन का बेस्ट ट्रेड कीजिए और सटीक ट्रेड कीजिए। जब आपके सेटअप के अनुसार ट्रेड बन रहा है, बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए, तब आप ट्रेड लीजिए, मार्केट में एंट्री कीजिए। इस ट्रेड को आप कर सकते थे, यहाँ से बाय करते मार्केट में, यहाँ पर जा करके आप पोजिशन को कट कर सकते थे, या बने भी रहते तब तक भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बना है, ये देखिए। जब आप मार्केट में अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड करने के लिए वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, बैठे रहेंगे, तभी आपको एक सटीक ट्रेड मिलेगा, अन्यथा आपको सटीक ट्रेड नहीं मिलेगा। ये मार्केट में इंतजार करना पड़ता है अपने पॉइंट का, अपने जगह का, तभी हम ट्रेड करते हैं, मार्केट में एंट्री करते हैं। यदि आप, चलिए इसका सेटिंग बता देता हूँ, यदि आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप मेरे मार्केट रेंज के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल सटीक रेट रिजल्ट मिलेगा आपको। मार्केट का रेंज डेली 9:30 9:40 के आसपास मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल रेंज के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट रेंज मैं डेली 9:30 के आसपास 9:40 के आसपास ये रेंज मैं बता देता हूँ और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं इस जगह पे मैंने अपना वीडियो बनाया, इस जगह पे 9:30 के आसपास 9:40 के आसपास, तो मार्केट अभी यहीं चल रहा था, मैंने बता दिया कि मार्केट का लो ये रहने वाला है और मार्केट का हाई ये रहने वाला है, मार्केट इसी रेंज में दिन भर चलेगा, तो मार्केट इसी रेंज में चलेगा और मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेड दिया है, तो यहाँ से रिस्क हमारा थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क लेकर के हम बाय कर सकते हैं, ऊपर की तरफ चल सकते हैं। तो इस रेंज के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो आपको बिल्कुल सटीक ट्रेड मिलेगा और बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। यदि इसमें स्टॉक में करते हैं, तो स्टॉक में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग और बिल्कुल ही सटीक ट्रेड मिलता है स्टॉक में। स्टॉक में आपको यहाँ पे एंट्री कर गए और पोजीशन जब तक ये रेड ना हो तब तक आप चल सकते हैं ये, और बिल्कुल ही सटीक ट्रेड मिलेगा और बेहतर ट्रेड मिलेगा। तो चलिए इसका हम सेटिंग बता देते हैं। सबसे पहले चले जाना है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में जाकर के सर्च करना है। सबसे पहला इंडिकेटर है ऑन साइड, ONE स्पेस देकर के लिखेगा साइड, ऑन साइड, मतलब दिखा दे, ऑन साइड, ये वन साइड इंडिकेटर ये है, LOXX, इस पे आप ये पहला इंडिकेटर ये लगा लीजिए, ठीक है, इस इंडिकेटर को आप पहला लगा लीजिए। दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है, यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे हम, इंडिकेटर पे जाकर सर्च करेंगे BULL, बुल ट्रेडिंग 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग, इस इंडिकेटर को आप लगा लेंगे, ठीक है। इसका सेटिंग में बता देता हूँ, इसका सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में जाकर के इस सारे को अनचेक कर देंगे, सिर्फ GM में रहेगा और लॉन्ग और शॉर्ट रहेगा इस इंडिकेटर में, ठीक है। और इनपुट में चले जाएंगे, इनपुट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, विजुअलिटी आप चेक कर लें, विजुअलिटी सही है, ठीक है, ओके कर दें। फर्स्ट इंडिकेटर का सेटअप हो चुका है, यहाँ पर ध्यान दें सारे को अनचेक कर देना है। इनपुट में जाएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसको अनचेक, इसको अनचेक, इसको GMA को रहने देना है लॉन्ग पोजीशन को, और इसको रहने देना शॉर्ट पोजीशन को, और बाकी सबको अनचेक कर देंगे, ठीक है, बाकी सारे को आप अनचेक कर देंगे, इसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। दूसरा इंडिकेटर है बुल ट्रेडिंग, इस पे चले जाएंगे, वार कैंडल को, वार कलर को आप अनचेक कर देंगे, वार कलर को अनचेक कर देंगे, ये फर्स्ट वॉलेट है, इसको रहने देना है, सेकंड वॉलेट इसको रहने देना है, ट्रेडिंग एवरेज, ट्रेंड एवरेज है, इस पे जाकर के अपना कलर चेंज कर ले अपने हिसाब से, जो भी ये इस लाइन का है, इस लाइन का ये कलर है, और इसका थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, मोटा कर दें, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे,
ठीक है, इतना ही सेटअप आपको करना है। क्या क्या इसमें चेंज किए हैं? कुछ नहीं चेंज किए हैं, सेम है, डिफॉल्ट है, ठीक है। अब बाकी सारे को अनचेक कर दें, सिर्फ ट्रेंड एवरेज और प्लॉट प्लॉट दो रहेगा, ठीक है, और बाकी सारे अनचेक रहेंगे। इनपुट में चले जाएंगे, इनपुट में ध्यान दें, इनपुट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सेम रहने देना है, डिफॉल्ट सेटिंग है, बस ओके कर देना है, ठीक है। और ये सेटिंग कर सकते, इस सेटिंग को आप कर लें अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, 5 मिनट का चार्ट लगा लें। आप हाई केनेसी पे भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल कैंडल पे भी यूज कर सकते हैं, दोनों पे एक बेहतरीन काम करता है और बहुत सटीक काम करता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।